प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन प्रधानमंत्री के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर। बाइडेन ने किया प्रधानमंत्री का स्वागत। डिनर पर पीएम मोदी और बाइडेन ने साझा किया मंच। बाइडेन बोले, हमें रिश्तों में अभी और भी आगे जाना है। राजकीय भोज के लिए प्रधानमंत्री ने अमेरिका का धन्यवाद किया। बोले, भारतीय मूल्यों को अमेरिका में सम्मान मिला। भारत के कई उद्योगपति भी डिनर में शामिल। मुकेश अंबानी स्टेट डिनर में पहुंचे। आनंद महिंद्रा ने भी डिनर में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत यूएस के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेदभाव पर सवाल। पीएम मोदी ने दिया जवाब। कहा, भारत अमेरिका के डीएनए में है लोकतंत्र। भारत में किसी से भेदभाव नहीं होता। लोकतंत्र पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, भारत के डीएनए में लोकतंत्र। दोनों देश नागरिकों का करते हैं सम्मान। पीएम मोदी ने अमेरिका से आतंकवाद पर किया प्रहार। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत अमेरिका एक साथ सीमा पार आतंकवाद पर मिलकर कर रहे काम। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। व्हाइट हाउस की बालकनी में बाइडेन के साथ नजर आए पीएम मोदी। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी दिखी साथ। पीएम मोदी और बाइडेन गर्मजोशी से मिले। व्हाइट हाउस में एक दूसरे को गले लगाया। अमेरिका की संसद में पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन। पीएम ने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से अमेरिका का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने नमस्कार के साथ संबोधन की शुरुआत की। करीब एक घंटे के संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती और भारत के बढ़ते कद पर बात की। भारत अमेरिका दोस्ती पर पीएम ने दी नई परिभाषा। कहा, वर्तमान दौर में एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा, यह युद्ध नहीं बातचीत का समय है। हमें मिलकर हिंसा से बचना होगा। पीएम ने कहा, बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। भारत के बढ़ने से दुनिया भी आगे बढ़ती है। भारत में यूपीआई पेमेंट की क्रांति। प्रधानमंत्री बोले, यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा है भारत में स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स। पीएम ने कहा, मुसीबत के वक्त दुनिया के लिए खड़ा था भारत। 100 से ज्यादा देशों तक वैक्सीन पहुंचाई थी। भारत में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी प्रधानमंत्री का बयान। कहा, आधुनिक भारत को लीड कर रही हैं महिलाएं। भारत के सबसे अहम रक्षा सहयोगियों में से एक है अमेरिका। पीएम बोले, भारत और अमेरिका अंतरिक्ष और समुद्र समेत कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। तालियों की गूंज के साथ प्रधानमंत्री की एंट्री। अमेरिका की संसद में दूसरी बार प्रधानमंत्री का संबोधन। पीएम के संबोधन पर अमेरिकी सांसदों की प्रतिक्रिया। भाषण के दौरान कई बार सांसदों ने पीएम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। संबोधन के बाद अमेरिका के सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सांसदों ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लिया। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर मोदी की तस्वीरों से टाइम्स स्क्वायर को सजाया गया। टाइम्स स्क्वायर पर लगा पीएम मोदी का बैनर। प्रधानमंत्री के सम्मान में व्हाइट हाउस में हुआ गरबा डांस। भारतीय डांस ग्रुप ने किया परफॉर्म। जी